ओम शांति। 3 अगस्त के ईश्वरीय महावाक्य है जिसमें बाबा ने समझाया कि बाबा की याद कायम तभी रहती है जब बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट होता है। बिन ज्ञान ध्यान नहीं। जब तक हमें ज्ञान का ही स्पष्टीकरण नहीं है कि याद किसको करना है और कैसे करना है और क्यों करना है, तब तक हमारा याद में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। और जब बुद्धि में ज्ञान भरपूर हो जाता है, बुद्धि ज्ञान युक्त हो जाती है, तो हमारी बुद्धि रूहानी यात्रा करने लग जाती है और खुद ही नहीं दूसरों को भी कराने लग जाती है। क्योंकि मालूम है कि भगवान की याद से ही शक्ति भरती है, भगवान की याद से ही समझ आती है, भगवान की याद से ही सारे कार्य सही होते हैं। तो इसलिए ज्ञान युक्त होना, ज्ञान का स्पष्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो परमात्मा ने समझाई कि ईश्वर दाता है, फिर भी हम उसके अर्थ दान क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भविष्य में मिलता रहे, हम अभी भी भरपूर रहें। वास्तव में हम भगवान के लिए दान नहीं करते हैं, हम जो भी दान करते हैं वो हम अपने लिए ही करते हैं, हमें ही वो डबल और ट्रिपल हो करके मिलता है। भगवान तो निराकार है, वो लेके क्या करेगा, हम जो देते हैं वो विधिवत हमारे लिए ही यूज होता है। फिर आज का गीत बहुत अच्छा चला, रात के राही थक मत जाना। रात मतलब विकारों रूपी अंधकार जिसमें हम रह रहे हैं, चारों ओर हर एक मनुष्य में जिसको भी देखो बुराइयां और कमजोरियों से वो भरपूर है। और ये बुराइयों और कमजोरियों का जो अंधकार है, इसमें चलते चलते हम कभी थक जाते हैं। भगवान की याद करने से शक्ति मिलती है। परमात्मा भी आकर के धीरज देता है कि बच्चे आत्म अभिमानी बनने में और अपना बुद्धि योग परमात्मा में लगाने से तुम कभी भी थकना नहीं। हुआ क्या कि हम जिस्मानी यात्राएं करते आए, रूहानी यात्रा कभी की नहीं, उसकी आदत भी नहीं थी, वो परमात्मा ने ही आके सिखाई, तो उसमें हम थक जाते हैं। परंतु हमें थकना नहीं है, श्रीमत पर चलना है और परमात्मा को जितना हो सके उतना याद रखना है। फिर हम दुख के बंधनों से, दुख धाम के आवागमन से छूट जाएंगे और सतयुग जाने लायक बन जाएंगे। उसके लिए हमें अमरनाथ शिव बाबा के पास रहने का पुरुषार्थ करना है। परमात्मा की याद में कभी भी थकना नहीं है, बार बार अभ्यास करना है। ये नहीं कहना है कि मैं बाबा आपको याद करना भूल गया। बाबा कहते तुम मेरा बनते हो, मेरे पर बलिहार जाते हो, कोड़ियाँ लेके आते हो और हीरे जैसा बन जाते हो। जैसे सुधामा का भी मिसाल देते ना, चावल मुट्ठी दिए, तो हम भी बाबा को चावल मुट्ठी भंडारे के अंदर डालते हैं। बाबा कहते वो कितना मिलता है तुम्हें, बहुत मिल जाता है। बात चावल मुट्ठी की नहीं होती है, बात तो भावनाओं की है। अगर हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हैं तो हमारे मुट्ठी चावल भी बहुत काम के हैं, और अगर हमारी भावनाएं श्रेष्ठ नहीं हैं तो हमारा करोड़ों रुपया भी किस काम का। अब परमात्मा कहते मुझे तो भावना ही पसंद है। फिर तुम कहते भी हो तन मन धन सब परमात्मा का है, तो फिर उसकी सेवा में लगाना चाहिए। कईयों का तो हृदय विदीर्ण हो जाता है परमात्मा के कार्य में लगाने से। अरे परमात्मा के कार्य में लगाने से हमारे ही कार्य होते हैं, वो हमारे लिए ही होता है। परमात्मा तो हमारा लेकर के क्या करेगा। अब ब्रह्मा बाबा को देखो, जैसे ही शिव बाबा की समझ आई अपना सब कुछ सेवा में लगा दिया और देखो भविष्य बादशाही जीवन ले लिया। बाबा कहते बच्चे मैं भी तुम्हारा लेकर के क्या करूँगा, देखो इन माताओं बहनों की कमेटी बनाता हूँ, यही सब संभालती करती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भगवान को अपना वारिस बनाओ, उस पर बलिहार जाओ। और दूसरी बात, आशीर्वाद नहीं मांगो, उसकी याद में टिकने का कार्य करो। और आज का वरदान है, निमित भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित बनने का पाठ सदा न्यारा प्यारा बनाता है। अगर निमित भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्वयं की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप रहता कि विश्व के आगे बाप समान एग्जाम्पल हैं। स्लोगन है,
सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर आ नहीं सकती। आज का स्वमान, मैं न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। और आज के प्रश्न है, शिव बाबा को अपना वारिस क्यों बनाना है। दूसरा प्रश्न है कि हमारे पर आशीर्वाद कब बरसेगा, आशीर्वाद होता भी है या नहीं। तीसरा है, दुख की लहर हमें छू भी ना पाए, ये कब संभव होगा। चौथा, आज का वरदान। और पांचवा प्रश्न है, आज के गीत का अर्थ क्या है।